स्कूल में पढ़ाने वाले जो आचार्य हैं और स्कूल में पढ़ाने वाली जो दीदियां हैं, इनमें से कितने लोगों को आचार्य और दीदी से डर लगता है? हाथ उठा के दिखाओ, एक बार दिखाओ। सही सही, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना कोई भी। ये नहीं सोचना कि कौन क्या देख रहा है, बस देखो एक बार कि कितने लोग हैं जो अपने शिक्षक से डरते हैं, किसको किसको डर लगता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, कोई बिल्कुल मत डरो। आप तो आज हाथ उठा दो, हम बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई भी कुछ नहीं कहेगा। आप देखिए, इस आनंद को देखिए, आप देखिए कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपने आचार्य और दीदी से डर लगता है। कितने लोग हैं बिल्कुल निर्दोष तरीके से हाथ उठा दो। हाँ, जितने लोगों को पीछे भी देखिए, आप शिक्षक लोग पीछे देखिए, जितने लोग हाथ उठा कर के खड़े हैं और जितने पीछे बच्चे जो हमारी बात सुन रहे हैं और उन्होंने हाथ उठाया है, आप लोग हाथ नीचे कर लीजिए। बहुत अच्छी बात, आपने एक बहुत अच्छे साहस का परिचय दिया है बंधु। अब मैं शिक्षक वर्ग से कहना चाहता हूँ, जितने बच्चों ने हाथ उठाया है कि मुझे अपने आचार्य और दीदी से डर लगता है, इतने सारे बच्चों का विकास अवरुद्ध हो चुका है। इनमें से एक भी बच्चा यहाँ पर पढ़ने के लिए अब नहीं आता। अब यहाँ पर सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए ये बच्चे आते हैं। जब तक शिक्षक और बालक के बीच में माता पिता के जैसा संबंध नहीं होगा, तब तक कोई भी शिक्षक किसी भी बालक का विकास कर नहीं सकता। इस बात को आप अपने मस्तिष्क पर बहुत अच्छे से बैठा लीजिए। कई शिक्षक भी ऐसे होंगे जिनको ये बात एक बात में पकड़ में आ जाती है कि अभी बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो कुछ शिक्षकों को पढ़ाने से ज़्यादा डराने में मज़ा आता है। कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं कि उनको सिर्फ डराने में खूब मज़ा आता है कि देखो अभी हम निकलेंगे, सब अपने अपने कमरे में तुरंत भागेंगे। भागना सिर्फ आपको देख करके नहीं है, उस भय के कारण उनका वह जो अंदर से प्रतिभा पल्लवित होनी थी, पोषित होनी थी, वह सारी की सारी प्रतिभा इतने सारे लोगों ने अपनी अपनी रोक करके रख ली है। इनके अंतर्मन ने आपके द्वारा दी जाने वाली प्रत्येक शिक्षा को लेना अस्वीकार कर दिया। ये सबसे बड़ी एजुकेशन सिस्टम की खामी है कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में अगर भय का वातावरण बन गया है, तो कभी भी विद्यार्थी शिक्षक से अपनी प्रतिभा का विकास कर ही नहीं पाता।